गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना हाउस। बिजलीपुरा नाम का एक गांव हुआ करता था। उसमें एक बड़ा महल और उसके बगल में ही एक गरीब झोपड़ी थी। महल में कपाड़िया नाम का एक धनवान पत्नी नीलम लकी स्वीटी नाम के बच्चों के साथ रहता था। झोपड़ी में दुबे नाम का एक गरीब पत्नी रत्ना बच्चे बंटी बबली के साथ रहता था। दुबे मिट्टी के चीजें बनाकर बेचता था। लकी स्वीटी अपने घर के सामने अलग अलग किस्म के खिलौनों के साथ खेलते थे। वो अमीर है इस बात का उन्हें बहुत अहंकार था। बंटी बबली उन्हें खेलते हुए बड़े आस से देख रहे थे। एक दिन लकी क्यों रे ऐसे मुंह खोल कर देख रहे हो, ये सिंगापुर से लाए हुए खिलौने हैं रे, ये कितने महंगे हैं बताए तो तुम लोग कोमा में चले जाओगे। क्यों बबली, इन खिलौने के साथ खेलने का मन कर रहा होगा ना, जाओ जाकर अच्छे से खाकर सो जाओ, तब तुम्हें इससे खेलते हुए सपना आएगा। ये उसका मजाक उड़ाई। वो सुनकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। घर आकर उनके पिता से वैसे खिलौने चाहिए यूं पूछे। बच्चों पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो पैसे वाले हैं, वो कुछ भी डालकर खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी स्थिति वैसी नहीं है, समझो। क्या जी हमेशा उनको वही बातें कहते रहते हो, बेचारे उन्हें भी खिलौने के साथ खेलने का मन होता होगा ना। हाँ री, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। बच्चों मैं तुम्हें मिट्टी से खिलौने कैसे तैयार करते हैं वो सिखाऊंगा, तुम लोग उनके जैसे खिलौने बनाकर खेलो, उससे ज्यादा पिता के तौर पर मैं और कुछ नहीं कर सकता। बच्चे खुशी से मान गए। फिर दुबे उन्हें मिट्टी से खिलौना बनाना सिखाया। कुछ समय बाद दोनों बच्चों को मिट्टी से खिलौना बनाना अच्छे से आ गया। एक दिन लकी वाले मिनी ट्रेन में घूमने लगे। वो बंटी वाले देखे। क्यों रे आजकल कुछ खिलौने वुलने बनाकर बहुत बिजी हो लगता है। ये मिनी ट्रेन खिलौना देखा, ये मेरे पापा स्पेशल दुबई से मंगाए हैं, देखकर ही खुश हो जाओ तुम लोग। बस देखेंगे नहीं, एकदम उसी की तरह मिट्टी से खिलौने तैयार करेंगे, कल आना दिखाएंगे। फिर वे दोनों बहुत मेहनत से एक मिनी क्ले ट्रेन बनाए। वो लेकर लकी वालों के ट्रेन के पास आए। लकी वाले वो देखकर चौंक गए। क्यों दोस्तों हैरान रह गए, अब से हमें तुम लोगों जैसे पैसे डालकर खिलौने खरीदने की जरूरत ही नहीं है, हम कोई खिलौना देख ले तो एकदम हूबहू उसके जैसा खिलौना बना सकते हैं। फिर तब से लकी वाले कोई भी नया खिलौना लेकर आते। बंटी वाले डिट्टो वैसा ही बनाकर उन्हें दिखाते थे। इससे लकी स्वीटी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन गुस्से से पिता को वो बात बताए, तब कपाड़िया को बहुत गुस्सा आया। फिर सब मिलकर दुबे के पास आकर झगड़ा करने लगे। रे दुबे क्या है ये, चाइना वालों जैसे जो देखे उसे कॉपी करते हैं तुम्हारे बच्चे, सुनाए ये सही नहीं है। हम इतना खर्च करके खिलौना लाते हैं, तुम लोग उसे कॉपी कर लिए तो कैसा, अब ये सब नहीं चलेगा। बस ये कहां से न्याय हुआ जी, बच्चे अपने हाथ से मिट्टी के खिलौने बनाए तो उसके लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं। श्रीमान आप लोग अमीर हैं और बड़े लोग भी, आप कितने भी पैसे डालकर कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं है, इसीलिए मेरे बच्चों को मिट्टी से खिलौने कैसे बनाते हैं वो सिखाया, चाहो तो तुम्हारे बच्चों को भी सिखा दूंगा अगर आपको ऐतराजी ना हो तो। क्या उद्देश्य है तुम्हारा रे, मेरे बच्चे तुमसे मिट्टी खिलौने कैसे बनाते हैं वो सीखे, इतना घमंड है तुम्हें, तुम्हारे बच्चे कुछ भी देखकर बना सकते हैं इसीलिए इतना घमंड है ना तुम्हें, तो फिर ठीक है कल मैं इटली से एक मिनी हाउस खिलौना मंगाऊंगा, इटली वाले आर्किटेक्चर को कॉपी करना आसान नहीं है, देखते हैं तुम्हारे बच्चों का टैलेंट। कहकर सब गुस्से से वहां से चले गए।
अगले दिन लक्की वाले एक मिनी हाउस को बनाना शुरू किए। फिर उन्होंने एक खूबसूरत मिनी हाउस बनाया, उसे सब देखने लगे। उसे देखते हुए बंटी वाले भी एक क्ले हाउस बनाना शुरू किए। आखिरकार वे एकदम हूबहू एक मिनी क्ले हाउस बना दिए, वो बहुत अच्छा था। वो देखकर कपाड़िया वाले दंग रह गए थे। शाबाश बच्चों, शाबाश, तुम लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मैंने नहीं सोचा। दुबे, अब तक मैं तुम लोगों को नीचा देखकर बात किया, हमें माफ कीजिए। तुम्हारे बच्चों के साथ एक एग्जीबिशन लगवाता हूँ, वो पैसे काम आएंगे। वही नहीं, तुम्हें कभी भी कोई चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ, ये बात मत भूलना। स्वीटी, लकी, अब से ये लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, सब मिलजुल कर खेलिए। दुबे अंकल के पास मिट्टी के खिलौने कैसे बनाते हैं वो सीखिए। तब सारे बच्चे खिलखिलाने लगे तो बड़े लोग भी बहुत खुश हुए। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। मेरठ के एक पॉश कॉलोनी में रघुवीर और सुनंदा नाम के दंपति रहते थे। उनका बेटा था लकी। एक दिन उसके घर उसके मामा जी किरण आए। किरण रघुवीर से, जीजा जी कैसे हैं आप, हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए। क्यों? अरे साले साहब, अब तक तो ठीक थे, अब तुम आ गए हो तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। क्यों जी, मेरे मायके से कोई भी आता है तो तुम उनको ताने मारते रहते हो, तुम आओ भैया। सुनो मैडम, मैं तुम्हारे मायके वालों को कभी ताने नहीं मारता, लेकिन जब ये साले साहब आते हैं तो मुझे टेंशन हो जाता है, पता नहीं इसकी हरकतों की वजह से क्या समस्या खड़ी हो जाए, इसलिए लक्की को इसके साथ खेलने ना भेजना, कहकर चला गया। तभी लकी आया वहाँ किरण को देखकर। अरे मामा जी, कब आए, मेरे लिए क्या लाए हो? अरे कुछ नहीं लाया भांजे, लेकिन तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैं तुम्हें दुकान ले जाकर जो तुम्हें पसंद हो वो खरीद कर दूंगा, कहकर लकी को पास वाले खिलौनों की दुकान ले गया। वहां लकी को एक मिनी कार पसंद आया तो किरण ने उसे खरीद कर दिया। फिर किरण लकी से, क्यों लकी, मैंने तुम्हें ये मिनी कार खरीद कर दिया ना, अब इस खिलौने के साथ तुम क्या करोगे? अरे मामा, ये भी कोई सवाल है? अरे कार में कोई क्या करेगा, मैं इस पर बैठकर घूमूंगा। अरे घूमने से क्या मजा आएगा, इस कार को हम गरीब कॉलोनी ले जाएंगे, वहाँ इस पर चक्कर काटते हुए उनको जलाएंगे। देखो मामा, वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं, वैसे भी तुम्हारे तंग करने से वो परेशान नहीं होने वाले, उल्टा वो तुम्हें रुलाएंगे, सोच लो। देखो भांजे, तुम अभी बच्चे हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम अभी से ये ना तय करो कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, मुझ जैसे बड़े अनुभवी और समझदार लोगों की बात सुनो और सीखो, कहकर दोनों मिलकर गरीब कॉलोनी में उस कार में गए। वहां पर पटेल नाम का लड़का एक सिंगल टायर व्हीकल में बैठा था और राज नाम का लड़का गाड़ी को धक्का लगा रहा था। ये देखकर किरण, क्यों भांजे, देखा, एक गधा एक गाड़ी में बैठा है और दूसरा गधा उसे धक्का लगा रहा है। लकी, ये नमूना कौन है, हमारे एरिया में आकर हमसे ही पंगा ले रहा है, उसे जरा समझा दो, उसके सारे पुर्जे डीले हो जाएंगे यहाँ पर। क्यों रे छोटे पैकेट, बहुत उछल रहे हो, मेरे लकी का ये मिनी कार देखा है, क्यों भांजे, जरा उन्हें ड्राइव करके दिखाना। तो लकी अपने मिनी कार में बैठा और इधर उधर घुमाने लगा। ये देखकर पटेल,
अरे यार लकी, तेरा कार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम जो खेल खेल रहे हैं, ये सिर्फ टाइम पास नहीं, इससे व्यायाम भी होता है। मेरे पिताजी ने कहा है, कहते हैं इससे शरीर की ताकत बढ़ती है। ये सिर्फ हम ही नहीं, हमारे दादा, परदादा, पिताजी सब यही खेलते थे। इसीलिए तुम्हारे पागल मामा से कहो कि वो यहाँ से चले जाए और अपना काम देके। ए, तू कौन है? अपने आप को बहुत होशियार समझता है? तुम्हारे इस घटिया खेल को बड़े मजे से नाम दे रहे हो हा? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे भांजे के साथ रेस लगाओ तो माने, तब पता चलेगा कि किस में दम है और कौन ताकतवर है। तभी पटेल का मामा धर्मा वहां पहुंचा। सुनो, हमारे बच्चे रेस में किससे पीछे नहीं हटते, हम शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। बोलो शर्त क्या है? अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हारे घर में एक हफ्ते के लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, और अगर हम जीत गए तुम सब आकर हमारे घर में काम करोगे। बोलो मंजूर है? मामा जी, पहले ये तो चेक कर लो कि तुम्हारे पास सब कुछ है कि नहीं है, वरना बाद में हमें ही पछताना होगा। आप तो पिताजी को जानते ही हो, वो चुप नहीं बैठने वाले, सोच लो। अरे बैटरी कार में देखने के लिए क्या है? अरे तुम भी बच्चों की तरह बात करते हो, चलो रेस लगाओ। तब पटेल और लकी रेस लगाने लगे। लकी अपने बैटरी कार में तेजी से जाने लगा, पटेल भी अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए काफी तेजी से जा रहा था। दोनों के बीच में बहुत बढ़िया मुकाबला हो रहा था। फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते पहुंचते लकी के बैटरी कार में बैटरी खत्म हो गई। इस तरह पटेल की जीत हुई। तब किरण लकी के पास आया। अरे भांजे, तूने ये क्या कर दिया? अरे तुमने हार कर मेरी इज्जत की मिट्टी पलीत कर दी, बस मैं क्या करूं? मामा, मैं नहीं, तुमने अपने बेवकूफी से ये सब किया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि सब चेक कर लो, पर तुमने बैटरी चेक ही नहीं किया। अब मैं समझा कि पिताजी तुम्हें हमेशा डांटते क्यों रहते हैं। अब ये बात घर में जाकर ना बताना, हमारे इज्जत जाएगी। अब जाकर इनके घर में एक हफ्ते के लिए काम करो, फिर लौटना। कहकर लकी पैदल अपने घर चला गया।